हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और व्लॉग मैंने नहीं बनाया, 28 फरवरी को बनाया था, उसके बाद मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। और यहाँ मेरा बेटा बैठा है और अजी अजी से रिएक्शन दे रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस वजह से मैं बना नहीं रही हूँ। और बहुत जल्दी मैं आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी, तब तक के लिए बाय। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे चैनल पर जो प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही मुझे, और यहाँ पता नहीं क्या हो गया था, ऐसे कुछ दिख रहा है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही, नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं। पहले तो मतलब मैंने देखा था, जब मैंने वीडियो शूट किया था 28 फरवरी को, तो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से ही अपने चैनल पे वीडियो देख रही थी, मतलब अपने चैनल से जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो वहाँ मैंने जब नोटिफिकेशन बेल होती है उस पर मैंने देखा, तो उस डिसेबल दिखा रही थी, उसमें लिखा हुआ डायरेक्शन इज टर्न्ड ऑफ फॉर कंटेंट मेड फॉर किड्स। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, दो तीन चार समझा, फिर उसके बाद मैंने मतलब वो सेटिंग पे गई यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ सेटिंग पे जाने के बाद मैंने सब कुछ मतलब सेट करके वो सब सेटिंग को मैंने चेंज किया, फिर वापस आई, फिर मैंने फिर अपने हस्बैंड के मोबाइल से अपने चैनल पे मतलब जो बेल आइकन था उसको प्रेस किया, लेकिन वो तब भी डिसेबल ही बता रहा था। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चल इसको एक बार अनसब्सक्राइब कर, फिर सब्सक्राइब कर, तो उसको अनसब्सक्राइब किया, फिर सब्सक्राइब किया, फिर बेल आइकन पे प्रेस किया, तो उसमें बेल आइकन जो था इनेबल हो गया था। और पर उसके बाद भी ना, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किए शॉर्ट वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे नहीं आ रहा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या प्रॉब्लम है, और मुझे इतनी जानकारी भी नहीं है। मैं वीडियो देख रही हूँ बहुत सारे, अब उसमें बहुत सारे कारण बता रहे हैं, कोई 3 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, लेकिन जो मेन सेटिंग होती है मेड फॉर किड्स आ रहा था उसमें ना ऑप्शन, तो मेरा चैनल में जो वीडियो आता है वो कोई मेड फॉर किड्स तो है नहीं, तो मैंने नो मेड फॉर किड्स करके वो सब कुछ सेटिंग मैंने सेट कर दी है। तो अब क्या हो रहा है, जिन लोगों ने मुझे पहले सब्सक्राइब किया हुआ है वो अगर बेल आइकन पे शायद क्लिक भी करेंगे तो उनको डिसेबल होगा। दूसरा तरीका यही कि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसे पहले अनसब्सक्राइब कर कीजिए, फिर देन उसको दोबारा से सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और मुझे काफ़ी टेंशन होने जाती है, जैसी प्रॉब्लम्स होती है ना, होती है यार पता नहीं, पता चले इतने सारे वीडियो डालते गए इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए और लास्ट मोमेंट पे पता लगे कि चैनल मतलब समझ सकते हैं, होता है कहीं का चैनल रिजेक्ट हो जाता है, कभी का कुछ हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपना यूट्यूब पे दिखाते भी हैं, कई बड़े यूट्यूबर जो टेक्निकली होते हैं वो वीडियो अपलोड करते हैं, तो इस वजह से भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आजकल ना तो ऐसी प्रॉब्लम्स ही आ जाती है, तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और किसी ने मुझे कहा भी था कि हाँ आपके जो वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, और जो मेरा होम पेज होता है उस जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे उनके होम पेज पर मेरा वीडियो जाता होगा, जैसे मैं अपलोड करती होगी तो स्क्रॉल कर देते हैं वो देख लेते हैं, नहीं करते हैं, या किसी ने बहुत देर बाद खोला तो शायद हो भी सकता है कि उनको मेरा वीडियो ना मिले। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी मैं फिर देखूंगी किसी और के मोबाइल से। तो चलिए यही प्रॉब्लम थी, और आज का जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ ये 28 फरवरी का था, उसी दिन शाम से ही मुझे ये प्रॉब्लम का पता लगा, मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया इतना, बाद में देखा मैंने, और पता नहीं यार सारी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आती है। पहले मैं जब काइन मास्टर से वीडियो बनाती थी, वायरलिटी करती थी, तो उस पर भी दो बार दो तीन बार प्रॉब्लम आई हुई है, तो वो भी मैंने वीडियो देख देख के मतलब फिर समझी, फिर मैंने उसको रिसेट किया, वहाँ आई थी प्रॉब्लम। फिर कई बार ये भी होता है कि हम जब यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी अपलोडिंग नहीं होता, प्रोसेसिंग भी होता ही नहीं है, वहाँ भी प्रॉब्लम आती है, वो सब तो चलो मैंने कर लिए पार, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है, अब समझ में नहीं आ रहा। तो मैं यही कहूँ कि अब जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल पे क्लिक होना चाहिए, वहाँ पे टिक मार्क होगा, तो मतलब आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जिनके पास मेरे नोटिफिकेशन आते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और जिनके पास नहीं आते हैं तो वो क्या बताएंगे, लेकिन जिनके पास आते हैं तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका नोटिफिकेशन आता है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी एक बार बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो यही प्रॉब्लम है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको किसी को इस बारे में जानकारी है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे जाके, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो मिलता है देखने को, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बस। खैर मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, हर छोड़ो जो होगा देखा जाएगा,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो ये जो मैं क्लिप आपको दिखा रही हूँ ये भी 4 तारीख का ही है, 4 फरवरी का, और इस दिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। ये टाइम शायद 12:15 का है, मैं आपको पौधे दिखा रही थी। इसके बाद जो भी आपको वीडियो दिखेंगे वो है 28 फरवरी का, और जैसा कि मैंने बताया चैनल पे प्रॉब्लम थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए आप, कोई नहीं, पुराना हो गया है लेकिन आप इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज दिन है 28 फरवरी का, तो आज है मेरे छोटे बेटे का जन्मदिन, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब उसे ज़रूर विश करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है इससे। तो यहाँ पे अंदर कमरे में आई तो मेरा बर्थडे बॉय ऐसे नाच रहा था। और मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो ना तो वो केक वेक काटने में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही वो बनाते हैं जन्मदिन इस तरह से जैसे होता है, डेकोरेशन करना, केक मंगाना, ये सब मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं है, वो मना कर देते हैं। बस ये है कि जो बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं या ट्यूशन में है तो वो होता ही है, बच्चे मांगते होंगे पार्टी वगैरह, तो उसके लिए थोड़े पैसे देते हैं और अपना बाहर थोड़ा बहुत ऐसे इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कमरे में आ गई थी, यहाँ अलमारी भी मुझे साफ़ करनी थी, वो हो चुकी है साफ़, और उसको अरेंज करने के बाद मैं किचन में आ गई। तो यहाँ बना था दिन में राजमा और चावल, और यही खाना था हमारा दिन का। कुछ स्पेशल हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं, ना ही हम करते हैं ज़्यादा, जब तक बच्चे छोटे थे तब तक कर लेते थे, अब बच्चों को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो यहाँ लगाने जा रही हूँ मैं अपनी प्लेट बच्चों की या सबकी, आइए आप सब भी खा लीजिए। और वैसे एक बात बताऊँ, आज राजमे की दाल बनाई थी मेरे हस्बैंड जी ने ही बनाई थी, तो और टेस्टी हो रही थी। बस मेरे बेटे के लिए थोड़ी मिर्च थी इसमें, मतलब अनुराग ज़्यादा मिर्च खा नहीं पाता है तो इस वजह से, वैसे तो टेस्टी थी पर उसको पसंद नहीं थी, पर हमें तो सबको बहुत अच्छी लगी और पसंद आई है। चलिए आप सब भी खा लीजिए। और इस वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा बनाया नहीं है क्योंकि शाम के टाइम फिर मुझे पता लगा कि चैनल के नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। थोड़ा सा क्लिप मैंने ये रिकॉर्ड किया, शाम को मैंने बनाई थी खीर और ये मिक्स वेज बिरयानी है। इन्होंने कहा कि चाउमीन की जगह हम चावल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चाउमीन मुझे भी पसंद नहीं है, ना ही बच्चों को ज़्यादा पसंद है। और इस वीडियो का जो वॉइस ओवर है वो भी मैं आज संडे में ही कर रही हूँ, मतलब 5 फरवरी को, क्योंकि मैं करना चाह रही थी काफ़ी दिनों से। पहले मैं अपने चैनल की सेटिंग करने में लगी हुई थी कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहे हैं, बस उसमें उलझी हुई थी और उसमें वीडियो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। पर अब मैं आगे से अपने रेगुलर व्लॉग बनाऊँगी और आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं या जो पहले के भी हैं उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस पर जो बेल आइकन है जैसा कि मैंने प्रॉब्लम बताई उसे प्रेस कीजिएगा। हो सकता है आप लोग सब बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन शायद जाने लग जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पहले के सब्सक्राइबर हैं वो एक बार मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करें, फिर वो दोबारा से उसे सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मतलब 1 मार्च का। यहाँ मैं बनाने लगी थी सिंपल परांठे और दलिया बनाया था मैंने, ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आगे मैं आपके साथ बच्चों के कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ जो कि उन्होंने अपने बर्थडे पे बनाए। ये देखो गाइस, भाई क्या हाल कर रहा है, देख लो मेकअप फेशियल, यू नो भाई, ले लो तुम भी ले लो थोड़ा। आज किसका बर्थडे है?